नमस्कार, पंजाब केसरी डॉट कॉम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनीत मंडराई। उत्तर कोरिया और रूस की दोस्ती से अमेरिका और यूरोप समेत कई देशों की नींद उड़ गई है। उत्तर कोरिया में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की खूब आवभगत हुई। पुतिन को रिसीव और सी ऑफ करने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते भी हुए हैं। दोस्ती को यादगार बनाने के लिए पुतिन ने किम जोंग उनको शानदार कार गिफ्ट की तो किम ने भी उन्हें रिटर्न गिफ्ट दिया है। किम ने राष्ट्रपति पुतिन को जो चीज गिफ्ट की है वो बेहद खास है। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को पुंगसन कुत्ते गिफ्ट किए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कोरियाई सेंट्रल टेलीविजन पर प्रसारित तस्वीरों में किम जोंग और पुतिन को इन कुत्तों के साथ खेलते हुए देखा गया है। किम एक कुत्ते को गाजर खिलाते हुए जबकि पुतिन दूसरे के सिर पर हाथ फेरते हुए नजर आए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन कुत्तों में से क्या खास बात है जो किम ने इन्हें पुतिन को देने के लिए चुना। बता दें कि पुंगसन ब्रीड के कुत्ते सिर्फ उत्तर कोरिया में पाए जाते हैं। ये बेहद खूंखार और उग्र माने जाते हैं। कोरिया के लोग पुराने समय से ही इन कुत्तों का इस्तेमाल बाघ, भालू और जंगली सुअरों के शिकार के लिए करते रहे हैं। 1956 में उत्तर कोरिया ने इसे नेशनल डॉग का दर्जा दिया था। इन्हें रखने का खर्च भी काफी ज्यादा है। माना जाता है कि एक जोड़ी कुत्ते पर हर महीने लगभग 1.50 लाख रुपए का खर्च आता है। पुंगसन कुत्तों को काफी वफादार माना जाता है। ये हमलावर मिजाज के होते हैं, लिहाजा शिकार का कोई मौका नहीं छोड़ते। इनकी आंखें छोटी और गहरी होती है, कान बेहद नुकीले और पीठ पर लटकती हुई मोटी पूंछ इनकी पहचान होती है। इन कुत्तों के बाल मोटे और बेहद मुलायम होते हैं। यहाँ यह भी आपको बता दें कि पुतिन ने रूस में बनी ओरस सीनेट लिमोजिन कार किम जोंग को तोहफे में दी है। कार की खासियत ऐसी है कि दुनिया भर की गाड़ियां इसके आगे पानी भरती है। फीचर्स इस कार को पूरा बंकर बना देते हैं। कार 6.70 मीटर लंबी है और इसका वजन 2,700 किलोग्राम है। कार को पूरी तरह बुलेट प्रूफ बनाया गया है। इस पर गोलियों या बम का भी असर नहीं होता है। कार में सेल्फ कंटेन ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम है जबकि टायर फ्लैट रबर से बने हैं। कार के अंदर ही सिक्योर लाइन कम्युनिकेशन सिस्टम है जिससे दुनिया में कहीं भी बात करने की सुविधा मिलती है। ये कार कई तरह के घातक हथियारों से लैस है जो इसे फाइटिंग मशीन में तब्दील कर देते हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए केवल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com पर। नमस्कार।